गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पीरियडिक टेबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम पीरियडिक टेबल के नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन इन प्रेडिक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तत्वों के रासायनिक व्यवहार में भौतिक अवस्था तथा गुणों की व्याख्या करने में परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याओं का अत्यधिक महत्व है और इनके एप्लीकेशन निम्न हैं। नंबर एक, कैटायन और एनायन के रेडियस रेशो के आधार पर सेंट्रल कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर का डिटर्मिनेशन होता है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर से क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग अथवा क्रिस्टल संरचना का भी ज्ञान होता है। नंबर टू, तत्वों के सहसंयोजक त्रिज्याओं के मान से उनकी भौतिक अवस्था का निर्धारण होता है। अतः हाइड्रोजन व हीलियम के परमाणु त्रिज्याओं के मान अत्यधिक कम हैं तो वे सबसे हल्की गैसें हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आदि के परमाणु त्रिज्याओं के मान हाइड्रोजन से अधिक है तो वे हाइड्रोजन हीलियम आदि से अधिक भारी गैस हैं। ब्रोमीन के परमाणु त्रिज्या का मान इनसे काफ़ी अधिक है तो एक वाष्पशील द्रव है और आयोडीन की त्रिज्या का मान और अधिक है तो वह एक ऊर्ध्वपातित अर्थात सब्लिमेटिंग होने वाला ठोस है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि क्या कारण है कि ब्रोमीन है वो द्रव है। विकिरण संबंध नेक्स्ट है। तीसरा नंबर, डायगोनल रिलेशनशिप। अवर सारणी के तत्व विकिरण धर्म दर्शाते हैं जिसमें किसी तत्व के गुण अपने से अगले समूह के तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं। प्रमुख रूप से यह अवर सारणी के प्रथम एवं द्वितीय आवर्तिता में प्रदर्शित होते हैं। जैसे प्रथम आवर्त के बारे में बात करें हम, जैसे लिथियम, जर्मेनियम, बोरॉन और कार्बन, ये सेकेंड आवर्त है, सेकेंड पीरियड है। और थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो कौन सा है, नामक एल सी, ये है, ये थर्ड पीरियड है। अब इनमें आपस में रिलेशन, आपस में समानता कैसी है, ये वाली फर्क में, जैसे इनके आपस में समानता, इनके आपस में समानता, तो ये तो मिलेगी कम, लेकिन इनकी विघन अर्थात डायगोनल जो समानता है वो ज़्यादा मिलेगी, ये वाली। इसको हमको क्या कहते हैं, इसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, विघन समानता कहते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के किसी को हो सकते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के, बोरॉन और सिलिकन। तो आवर्त सारणी में इन तत्वों के गुणों की व्याख्या भी परमाणु त्रिज्या के आधार पर की जा सकती है। आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह के में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के आयनिक व परमाणिक आकार में वृद्धि होती है, जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में कमी होती है। अतः विकिरणी संबंध दर्शाने वाले तत्वों का आकार लगभग बराबर हो जाता है। जैसे लिथियम प्लस की आयनिक संरचना, आयनिक त्रिज्या आर प्लस का मान 76 पीएम होता है। लिथियम की जो आर प्लस है वो 76 पीएम है। लिथियम की आर प्लस कितनी है, 76 पीएम, पिकोमीटर बोलते हैं पीएम को। तथा इसके विकर्ण संबंधी मैग्नीशियम प्लस टू की आयनिक त्रिज्या कितनी है, 72। और इसके साथ में कौन सा है, ये है, इसके साथ मैग्नीशियम प्लस टू की जो है वो आर है 72 पीएम, तो ये लगभग समान है। लिथियम और मैग्नीशियम के गुण आपस में मिलते हैं और उनकी त्रिज्या का मान भी लगभग समान रहता है। तत्वों के अधिकांश गुण उनके आकार पर निर्भर करते हैं, अतः समान आकार के कारण विकर्ण संबंधी तत्व गुणों में समानता दर्शाते हैं। जैसे क्षार धातु सोडियम पोटेशियम के फ्लोराइड फास्फेट कार्बोनेट लवण जल में विलयशील है, जबकि लिथियम के ऐसे लवण जल में अविलयशील है। विकर्ण संबंध के कारण ही आप देखिए सोडियम पोटेशियम इनके फ्लोराइड, सोडियम पोटेशियम के फ्लोराइड व फास्फेट और कार्बोनेट जैसे लवण जल में विलयशील है, जबकि लिथियम के ऐसे जल में विलयशील नहीं है। इसके विपरीत मैग्नीशियम नाइट्राइड की भांति लिथियम का भी नाइट्राइड बनता है। इसी प्रकार क्षारीय धातु मृदा धातु मैग्नीशियम कैल्शियम आदि के क्लोराइड आयनिक होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, जबकि BeCl2 यौगिक एल्यूमिनियम क्लोराइड की भांति एक सहसंयोजक यौगिक है और यह जल में अविलयशील व कार्बनिक द्वितीयक विलयशील होते हैं तथा लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। नंबर चार, संक्रमण धातुओं के आकार लगभग बराबर होते हैं। संक्रमण धातुओं के आकार लगभग बराबर होते हैं, इनका अध्ययन संक्रमण श्रेणी प्रथम द्वितीय तृतीय के अंतर्गत किया जाता है। नंबर पाँच, लेंथेनाइट संकोचन
और प्रथम तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों की समानता की व्याख्या भी इनके परमाणु आकार के आधार पर की जा सकती है। फायंस की व्याख्या भी आयनिक आकारों के आधार पर की जा सकती है। जब धनायन का आकार बहुत छोटा और ऋणायन का आकार बहुत बड़ा हो तो धनायन तथा ऋणायन का ध्रुवण हो जाता है और आयनिक बंध में से संयोजन आ जाते हैं। जैसा कि आपने पूर्ववर्ती कक्षाओं में फायंस का नियम पढ़ा है जिसमें ध्रुवणता एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अर्थात यदि जितना धनायन का आकार छोटा होगा वो उतना ही अधिक बड़े ऋणायन का ध्रुवण करेगा और उतना ही जल्दी उसमें आयनिक गुणों के अंदर संयोजन लक्षण आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही डिस्कशन किया था कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। आयन ऊर्जा बेसिकली वह ऊर्जा है जो परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है और इसको हम लोग किलो कैलोरी में काम में लेते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि किसी भी ठोस परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को हटाना पॉसिबल नहीं होता, तो ठोस से पहले उस परमाणु को गैसीय अवस्था में बदला जाता है अर्थात उसको ऊर्ध्वपातित अर्थात सब्लिमेशन एनर्जी दे करके उसको गैसीय मोल में चेंज किया जाता है। और गैसीय मोल से उसके एक इलेक्ट्रॉन को यदि हटाएंगे तो वो प्रथम आयनन ऊर्जा है और दूसरे को हटाएंगे तो द्वितीय आयनन ऊर्जा है, तीसरे को हटाएंगे तो तृतीय आयनन ऊर्जा है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्रथम आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय आयनन ऊर्जा से कम होता है और द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान तृतीय आयनन ऊर्जा से कम होता है। तो इनका जो ऑर्डर है वो प्रथम का सबसे कम, सेकेंड का उससे ज़्यादा, थर्ड का उससे ज़्यादा। तो IP1 इज लेस देन IP2 इज लेस देन IP3। तो IP3 जो है उसका IP सबसे ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि जब उसी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली वहाँ से मूवमेंट नहीं कर पाता तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो हम आयनन ऊर्जा को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि एक आइसोलेटेड गैसीय परमाणु से उसके बाह्यतम कोश को नाभिक के आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन अथवा आयनन विभव कहते हैं। इसलिए इसे आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है जो ऊर्जा एक परमाणु को आयन में बदल दे। एक उदासीन परमाणु से ऊर्जा देकर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को भी निकाला जा सकता है। इस प्रकार आयनन विभव प्रथम द्वितीय और तृतीय भी तृतीय आदि शब्दों का यूज करते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो एम में से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रथम द्वितीय तृतीय के लिए, जैसे एम है इसको एनर्जी दी तो ये M प्लस में चेंज हो गया, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन तो ये IP1 हो गया। अब इस M प्लस है इसको और एनर्जी दी तो ये M प्लस टू में चेंज हो गया, प्लस दो इलेक्ट्रॉन तो ये IP2 हो गया। अब इसको और एनर्जी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया, प्लस तीन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया IP3। तो IP3 जो है वो IP2 और IP1 से ज़्यादा होती है जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब इनके आयनन विभव के मानों को निम्नलिखित कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं हमें ये क्लियर पता है। बाह्यतम को उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना है या उसको अनंत दूरी तक ले जाना, उसके लिए कौन कौन से बीच में रुकावट करेंगे, कौन कौन से उनको प्रभावित करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो यही होगा न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा IP होगी। अर्थात न्यूक्लियर चार्ज होगा तो इसका मतलब परमाणु का जो साइज है ना वो छोटा होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज के लिए किसी परमाणु का नाभिक आवेश जितना अधिक होता है उतनी अधिक शक्ति से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित होंगे। उस तत्व के लिए आयनिक विभव का मान भी उतना ही अधिक होगा। अब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही है नंबर ऑफ शेल अर्थात ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ पीरियड, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे IP कम होता जाता है। तो N की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उतना ही IP कम होगा। तो N की वैल्यू ज़्यादा है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय आकर्षण से दूर होगा तो उसको हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या N का मान जितना अधिक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा तो उस परमाणु नाभिक आकर्षण का प्रभाव कम होगा, फलतः उसके आयनिक ऊर्जा का मान भी कम होगा। परिरक्षण प्रभाव। अब ये परिरक्षण प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण है और ये लगभग डी इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, डी ऑर्बिटल्स के लिए, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले N-1 में भरा जा चुका है, उसके बाद में अंदर के कोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बाह्य इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से भीतर के इलेक्ट्रॉन पर जितना अधिक परिरक्षण होगा उतने ही उसका प्रभावी नाभिक आवेश कम हो जाएगा। यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, आवरणीय प्रभाव ज़्यादा होगा, शील्डिंग ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाएगा। उसके लिए हम जानते हैं कि Z*Z-S उस कारण उस नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाएगा और आयनिक विभव का मान कम हो जाएगा।
तो शील्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयनिक वेपर मान कम होगा। पूर्ण भरे हुए तथा अर्धपूरित कोष, अब ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं या तो वो खाली ऑर्बिटल स्थाई होते हैं या पूर्ण भरे या फिर हाफ फिल्ड होते हैं। तो यदि ये पूर्ण और हाफ और कंप्लीट खाली हैं तो इनके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। दिगंत से क्वांटम संख्या, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन दिगंत से क्वांटम संख्या एल के मान अधिक हो तो उसे निकालने में कम ऊर्जा लगती है और उन तत्वों के आयनिक भोग के मान कम हो जाते हैं। इसका कारण यह कि विभिन्न उपकोषों के भेदन क्षमता नाभिक के निकट जाने पर परवर्ती निम्न क्रम में घटती है। तो एस की जो पेनेट्रेशन पावर उसकी ज़्यादा है, पी की उससे कम, डी की उससे कम और एफ की उससे कम। अच्छा, ऐसे उपकोष नाभिक के सबसे अधिक नज़दीक होता है जबकि एफ सबसे दूर होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर होगा उसका आयनिक भोग उतना ही कम होगा। अतः एस इलेक्ट्रॉन के आयनिक भोग का मान सबसे अधिक होगा तथा पी इलेक्ट्रॉन के एस से कुछ कम, डी का उससे कम और एफ के आयनिक भोग का मान सबसे कम होता है। अब आई पी का ऑर्डर एस टू डी एफ के लिए, ये भी एक कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। आई पी फोर एस पी डी एफ, एस का सबसे ज़्यादा, पी का उससे कम, पी का उससे कम और एफ का उससे कम, और यही इसका पेनेट्रेशन बेहतर क्षमता भी यही होगी। परमाणु पर आयन या कुल आवेश, कोई इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु से निकलता है अथवा किसी धनायन से, इस बात पर आयनिक भोग का मान निर्भर करता है। धनायनों के नाभिक के आवेश की अधिकता के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण के प्रबलता से बढ़ते रहते हैं, अतः यह निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और उनके आयनिक भोग का मान बढ़ जाएगा। धनायन पर आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसके आयनिक भोग का मान उतना ही अधिक होगा, अतः प्रथम द्वितीय तृतीय आयनिक भोग के मान यही है कि आई पी वन आई पी टू आई पी थ्री ये बढ़ते जाते हैं। आयनिक भोग का जो निर्धारण है वो बोर सिद्धांत से किया जाता है। प्रकाश से प्रेडिक्टेबल में आयनिक भोग को डिस्कशन करते हैं। आयनिक भोग के बाद में नेक्स्ट यदि बात करेंगे हम तो वो बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए हमें यह पता है कि कोई भी गैसीय परमाणु होते हैं उसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो जो ऊर्जा निकलेगी ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलेगी उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसके लिए बोर्न हैपर साइकिल है। बोर्न हैपर साइकिल के अंदर आप लोग जानते ही हो कि जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने को बताया गया है, पहले सोडियम है जो सॉलिड है उसको सबसे पहले गैस में चेंज करेंगे तो उसके लिए सप्लीमेशन एनर्जी दी जाएगी और वो Na प्लस Nag में चेंज हो गया अर्थात सोडियम गैसियम। उसके बाद में हम उसको प्लस आई देंगे अर्थात आयनाइजेशन पोटेंशियल देंगे तो Na प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से जो क्लोराइड है क्लोरीन Cl2, तो ये हाफ क्लोरीन है आधे अणु और ये क्लोरीन गैसियम है, सोडियम था ठोस में, तो इन दोनों को गैस में तो हमने चेंज कर देंगे सब्लिमेशन देकर। तो अब जो गैस क्लोरीन है Cl2 इसको हम लोग वियोजित करेंगे और इसको परमाणु को अवस्था में लाएंगे, तो उसके लिए प्लस वियोजन ऊर्जा देंगे हम प्लस डी हाफ प्लस डी बाई टू, तो डी बाई टू देंगे तो ये Cl2 गैस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी निकलेगी माइनस ही, तो ये Cl माइनस में चेंज हो जाएगा और ये दोनों मिल करके NaCl बना देंगे और माइनस क्यू माइनस यू जीरो निकलेगी जो कि एनर्जी होती है। एच यहाँ पर है सब्लिमेशन एनर्जी, आई है यहाँ पर एनर्जन एनर्जी, डी है यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी और ई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और यू जीरो है यहाँ पर लेटिस एनर्जी और क्यू यहाँ पर है टोटल हीट ऑफ परमिशन। अब यहाँ जो माइनस है वो माइनस है, प्लस है वो प्लस है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बोर्न हैपर साइकिल से ई निकाल लेते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एग्जाम में भी आपके आता है। हम इसको दोबारा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में यदि आएगा तो हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं और आप लोगों के नॉलेज के अंदर भी ये होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स NaCl Na2Cl2 का बनना पता ही है, तो ये Na जो एक ठोस है जो प्लस हाफ Cl2 लिखे ऐसे। अब यहाँ से क्या होगा,
जो एन ए है ये एन ए, इसको आप प्लस एस देंगे सप्लीमेशन एन ए, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, एन ए जी में चेंज हो जाएगा गैस। इसके बाद हम इसको क्या दें, आई देंगे, एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये एन ए प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे, क्लियर। अगर हम क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसको बी ओजित एनर्जी देंगे तो बी बाई टू हो जाएगा, तो ये सी एल टू किस में चेंज हो जाएगा, सी एल टू में चेंज हो जाएगा, हाँ सी एल टू। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो एनर्जी इसमें क्या होगी निकलेगी, और ये एनर्जी निकलने के बाद इसमें किस में चेंज हो जाएगा, ये सी एल माइनस। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और एन ए सी एल का एक बना लेंगे, ये तो जाएगा माइनस यू जीरो, इसको हम कहते हैं माइनस यू जीरो और ये है माइनस क्यू, ये बॉर्न हेपर साइकिल है। इसमें एस क्या है, एस सब्लिमेशन एनर्जी, सप्लीमेशन ये आयनाइजेशन, ये लैटिस और ये टोटल हीट ऑफ रिएक्शन है और ये डिसोसिएशन है, और ये जो ई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके लिए फॉर्मूला जो बन गया वो क्या है, माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू अभिक्रिया ऊष्मा, उसके बराबर क्या है, एस प्लस आई प्लस डी बाई टू, एस प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस ए प्लस माइनस क्यू जीरो, ये इसका टोटल आ जाएगा, इसको हम लोगों ने किसके बराबर कहा, माइनस क्यू के बराबर। तो अब इसको एक तरफ ले लें, एक तरफ ले लेंगे तो एस प्लस आई प्लस डी बाई टू, डी बाई टू के बाद में माइनस क्यू और माइनस यू जीरो, माइनस क्यू और माइनस यू जीरो, और ये क्यू जो आ जाएगी वो इधर से आ रही है, इसका मतलब प्लस क्यू हो जाएगा बराबर जीरो। अब इसमें हम लोग ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ई बराबर हो जाएगा एस प्लस आई प्लस डी बाई टू माइनस क्यू जीरो प्लस क्यू, और ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके अंदर भी प्रभावित करने वाले कारक है, परमाणु परमाणु आकार भी है, प्रभावी नाभिक आवेश भी है, प्रोजेक्शन प्रभाव भी है, और परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है। अब बात करें विद्युत ऋणता की, विद्युत ऋणता के लिए हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पॉलिंग ने इसके कॉन्सेप्ट को दिया था, और साजित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है वही उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। और सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए पॉलिंग ने बताया था, और पॉलिंग ने इसको ज्ञात करने का एक मेथड दिया था जिसको पॉलिंग विधि भी कहते हैं। और आवर्त सारणी के अंदर हम लोग इसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे, तो इसमें भी वही कारक है जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना ज़्यादा आकार छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, अर्थात हम लोग आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ती है, अर्थात आकर्षित करने की क्षमता, साथित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोग जानते हैं हेलोजन्स जो होते हैं किसी भी प्रेडिक्टेबल आवर्त के अंदर जो हेलोजन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग ने फ्लोराइड की बताई कि फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। ऊपर से नीचे आएंगे, साइज बढ़ेगा तो साजित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति भी कम होगी, कम होगी तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी कम होता चला जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें तो एस पी डी एफ तो आपके चैप्टर है इनऑर्गेनिक के अंदर, हम उसमें बात कर लेंगे। ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया आवर्त सारणी, क्वेश्चन आंसर भी इसके कीजिएगा
SPDF के अंदर इसके अवसानी के अंदर पहला जो ब्लॉक होता है S होता है और सबसे लास्ट के अंदर बी होता है और नीचे इसके बीच में जो होता है अवसानी की वो डी और नीचे होता है एफ। जो एस ब्लॉक होता है ना उसमें सारी की सारी धातुएँ होती है, जिसमें एस वन होता है वो क्षारीय धातु, एस टू होता है वो क्षारीय मृदा धातु और डी का जो बीच का होता है वो होता है संक्रमण धातु और एफ ब्लॉक को जो होता है वो अर्ध है संक्रमण धातु जिसको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी हम लोग कहते हैं, जो 4F और 5F है उसमें दो सीरीज है और ट्रांजिशन मेटल्स जो है जहाँ रखे गए हैं डी ऑर्बिटल्स वहाँ तीन सीरीज है, तीन आवर्त के अंदर वो रखे गए हैं और लास्ट के अंदर जो ब्लॉक रखा गया है वो पी ब्लॉक है। वो क्या है उसके अंदर सभी प्रकार के हैं, उसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है और उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करने के लिए एक आडी तिरछी और एक रेखा बनती है जिसको हम लोग बोरॉन सिलिकन आर्सेनिक टेल्यूरियम एस्टेटिन इस प्रकार से एक सीडी नुमा संरचना बनती है, उससे हम लोग मेटलॉइड और मेटल्स को अलग अलग करते हैं और जो बीच में होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं और उधर होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और इधर डी की तरफ होते हैं वो मेटल्स होते हैं। और तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर सभी प्रकार के गुण लिए होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और इनर्ट गैसेस। धन्यवाद बच्चों, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर खत्म हुआ है, पहली यूनिट आज के इसी के साथ हम लोगों ने खत्म कर दी है। आप लोग पढ़ें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद।